السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الصمد الكاتب وفقه الله وسدد الخطى ضيف الشرف لهذه الندوة المباركة إن شاء الله وجميع الحضور المبارك في هذا الجمع المبارك وفي هذا اليوم المبارك إن شاء الله العزيز اور اس کے ساتھ ہی اس ادارے کے روح رواں اور تمام ہی معزز اور محترم خاص طور پر مقالہ نگاران حضرات اور اس کے منتظمین اور علاقے اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی قدر ایک ناحیے سے ہم غور کریں
तो हमारी जो ये नशस्त है आखिरी, उस हैसियत से इसे 5 बजे शुरू होना था और हम पता नहीं मगरिब के बाद तक भी जाते, तो उसको नाज़िम स्टेज के हुस्न निज़ामत से हमने बहुत बहुसन खूबी से वक्त से बहुत पहले इत्माम को पहुंचा दिया। जाहिर बात है कि इसके लिए हम पहले स्टेज को और ख़ास तौर पर मुंतज़मीन को मैं मुबारकबाद दूँ, दुआ दूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छाई और उमदगी के साथ इस मजलिस को वक्त से बहुत पहले, और जिम्मेदारों का जो मिजाज हुआ करता है और उसकी जो नज़ाकतें होती हैं ख़ास तौर पर, और वो नज़ाकत बड़ी अजीब सी होती है, तो उन नज़ाकतों को पूरे तौर पर बरतते हुए इन्होंने पूरे तौर पर, मैं कह रहा हूँ, वक्त से पहले ख़त्म करना, ये किसी कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी या किसी सेमिनार की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे नातवां कंधों पर आज की सदारत की जिम्मेदारी डाली गई है, तो सदर के लिए नाज़िम की जितनी परेशानियाँ होती हैं उससे ज़्यादा सदर की परेशानी होती है, और घूम फिर करके नाज़िम से जितना लोग नाराज़ नहीं होते, सदर जो भी बने वो तो कई तरह से ज़बह हो जाता है, और लेकिन वो इसमें भी बच नहीं पाता कि वो अगर चाहता तो मुझे वक्त मिलता और इसके अंदर थोड़ी सी तौसी पैदा की जा सकती थी, और मकाला निगारा जिसको वक्त मिल गया वो एक दूसरी शिकायत करता है कि ज़रा सी देर ही हो जाएगी तो क्या होगा, घड़ी घड़ी न उठाओ नज़र घड़ी की तरफ, यानी सब के फलसफे अजीब व गरीब होते हैं। तो मैं इस हैसियत से भी इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर, इस नदवा और सेमिनार की कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद आप हजरात को दे रहा हूँ। और अभी हम लोग मक्का मुकर्रमा में एक आलमी कॉन्फ्रेंस में थे, नदवतुल हज्जिल कुबरा में, तो पूरा मकाला कागज भरपूर मकाला पेश कर रहा हूँ, पूरी लंबी कहानी है, लेकिन आखिर में जब देखा कि उसमें सब हयाते केबारे उलमा हैं, सब असहाबुल महाली हैं, इक्के दुक्के फजीला असहाबुल फजीला थे, और मैंने जैसे कि वहाँ कहा था हाज अल हकीर अल फकीर, तो सब लोगों को सिर्फ 6 मिनट वक्त मिला, आखिर में आया कि 12 मिनट में मकाला पेश करना, वो भी फिक्ही वसूली और तजजियात के साथ, तफसीलात के साथ, और फिर उसमें मुदाखलात और तालीकात के साथ, तो अब क्या हालत होगी उसमें सबकी। तो वहाँ भी मैं आपको यह अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ के आज के जलसे में 15 मिनट मैंने देखा कि यहाँ बैठे थे आप उधर चले गए, तो मैंने देखा ही नहीं आपको। गौतम हमारे विधायक जी अच्छा सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आज 15 मिनट, और सेमिनारों में 15 मिनट बहुत ज़्यादा वक्त माना जाता है, सदर को छोड़ दो, समझे कि नहीं समझे। उसके बावजूद मैंने क्या किया है, पूरा खुतबतुल हाजा पढ़ा है, और अब तक इमाम अल्बानी का नाम नहीं आया तो शायद पहले आ गया, जैसे ही मैंने खुतबतुल हाजा शुरू किया है, उस शख्स ने अहले हदीस सारी दुनिया की पढ़ा करते थे लेकिन किसी ने मुजद्दिद कहा है और
किसी ने वक्त का सबसे बड़ा मुसले कहा है और किसी ने सुन्नत के इहयाए सुन्नत की बात की है और किसी ने इस शख्स को इस किताब व सुन्नत के लिए सबसे बड़ी इस असर हाजिर में कुर्बानी देने वाला इंसान कहा है, तो एक खुतबतुल हाजा भी उसके कारनामों में से है जिसने तारुफ कराया था इस्लाम से और उम्मत के हर फर्द। हम लोग बचपने में ये आले हदीसों का खुतबा सुनते जहाँ भी गए कहा कि आले हदीसों का खुतबा, दो ही से समझ गए थे मौलाना, एक मौलाना कह रहे हैं, दूसरे मौलाना कह रहे हैं, तीसरे कि भाई ये जो आप पढ़ रहे थे या जब सुना तो मैंने कहा कि बस ये आले हदीस का जलसा है। तो इमाम अल्बानी की तजदीदात और इहयाए सुनन वल इबादात में एक बहुत बड़ी चीज ये है। तो जाहिर बात है कि मैंने कॉन्फ्रेंस की और खास तौर से मीनारों की नजाकतों को देख करके आम तौर पर पढ़ा नहीं जाता इसको, और जाहिर बात है कि जायज नाजायज का तो मसला है नहीं। अल्बानी साहब के साथ हर चीज मर गया लोगों ने शिद्दत के नाम पर, वो कभी इतने शदीद नहीं थे इस मसले में, सुन्नत था उसका इहया किया और उनकी यही खूबी थी कि फराइज को उनकी जगह में, वाजिबात को अपनी जगह में और मुस्तहबात को अपनी जगह में, लेकिन जिसकी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई तो अब ये कोई तफसीर नहीं है, ये सराबा सुन्नत है और उसके इहया पर। ये चीज भी बहुत ज्यादा अल्बानी साहब के मनाहिज में समझने की जरूरत है, नहीं समझा। मैं इस मुनासबत से एक जुमला और कह दूं कि इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह पर एक सेमिनार हुआ था मरकजी जमीयत अहले हदीस के अहाते में, और बड़े बड़े उलमाए किराम थे, शेख सलाहुद्दीन और कौन कौन, बल्कि उन्हीं की निगरानी में वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो वहां भी देखा कि इसी तरह का मसला ले दे करके अक्सर लोगों का यही था कि इमाम अल्बानी तो औरत के चेहरा खोलने को गोया के मकाले का खुलासा यह है, गोया के मबाहिस का खुलासा यह बहस एक दूसरे में मुदाखलात और तालीकात और रुदूब और उसके जवाबात का कुल खुलासा यह है कि इमाम अल्बानी गोया के चेहरे को खोलना वाजिब और फर्ज समझते हैं। तो मौका तो है नहीं तो मैं बयान करता, आखिर में मुझे कहना पड़ा था कि हाज़ल इमाम अल्बानी लहू रायहु सदीद और कुल ذلك مزين ومدلل بالبراهين الساطعه والحجج القاطعه, ये सब दलीलों के साथ है। लेकिन इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह की तीसरी मुलाकात का मैं जिक्र करूं, 8 रकात तरावी पढ़ने के बाद वो निकल रहे थे, उनके पीछे हम पढ़ रहे थे कि ध्यान नहीं था, चंद लोग थे, मैं जामिया सलफिया से उसको गया हुआ था, इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह, मैंने कहा अल्बानी साहब इतना नजर आया तो मैंने कहा अल्बानी साहब क्या बात करते हो, तो मैंने कहा अल्बानी साहब, और तब तक तो वो निकलते और जाते 10 रकात 8 रकात के बाद जो भीड़ निकलती है, तो उसके बाद हुआ कि सचमुच अल्बानी साहब, जाके आगे से देखो अल्बानी साहब, इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह जब बाहर निकले उस वक्त ये तौसियात नहीं हुए थे, तो जैसे उधर निकले हम लोग, तो मैंने कहा जल्दी से गाड़ी करते हैं, पता नहीं इनको कहाँ जाना है। तो डॉक्टर अब्दुलरहमान फरवाई ने मुझे डांटा, कहा क्या बेवकूफी कर रहे हो, अरे आज अल्बानी साहब बहुत पैदल चलते हैं, मौके को गनीमत जानो, बहुत हम लोगों से लड़ते हो कुछ मसाइल में, आज मौका है चलने दिन को, पैदल ना भी हो तो बात में इस तरह से करो कि पैदल चले और जो कुछ कहना आजकल आज तुम्हारे लिए। इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम लोग खुद के नखील जो बकी के बिल्कुल आखिरी छोर के सामने था, वहां तक उसी भीड़ में पैदल चले जा रहे हैं और उनसे 3-4 सवाल किए थे। असल बैतुल कसीद ये कि जब वहां पहुंचे तो सैयारा के पास जो उर्दू से चला करके लेकर के आए थे, ये मौत से चंद साल पहले देखा कि 2-3 औरतें वहां खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं। जब ये हुआ तो पता चला कि वो तो शेख वहां थोड़ी देर खड़े हुए और खड़ी है, फिर अंदाजा हो गया कि इनके घर की खवातीन हैं, उनको उसके अंदर अल्बानी साहब हुआ कि शेख ये अगर दाखिल हो जाती तो बहुत अच्छा था, तो उन्होंने दरवाजा खोला उनको बैठा दिया। मैंने वहां कहा जो फुकहा उलझ रहे थे और ऐसा किसी चीज को दरअसल हमारी परेशानी क्या है कि मसले की बुनियादों को नहीं समझते और उन बुनियादों को भी जान जाए तो इस्तेमालात
और एहतमालात और इसी तरीके से कहने वाला किस से मंजर में कह रहा है उसको हम फर्ज बना करके पेश करते हैं और तौजीहुल कलाम बिबाला यल्गा बिहि कायल हूं कि हम कायल और फायल बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारी। तो मैंने कहा वहां कि मेरी इन आंखों ने देखा है और अल्बानी साहब के घर की खवातीन थी, आपने सऊदी खवातीन को जिस तरह से पैक देखा होगा कि चार साल तक हमारे बाल साथियों ने कसम खाई कि आप लोगों के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ कसीम से लेकर के कहां कहां गए, किसी का न ये देखा न वो देखा। ठीक उससे भी पैक अल्बानी साहब के घराने की वो खवातीन थी। मैंने कहा और उस पर भी मेरा सवाल था तो उन्होंने कहा या इब्नी, उनका जो स्वरूप था दिल को खींच नहीं लेते थे, दिल को पूरे तौर पर जज्ब करके मोहब्बतों से भर देते थे चाहे आप जितनी उल्टी पुलटी सवाल करें। ये भी अल्बानी की शिद्दत कहने वाले और इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह को जाना नहीं दुनिया ने, और जिसने जान लिया वो अगर उसके दिल में अदना इंसाफ है तो इमाम अल्बानी जैसा इंसान नहीं। या इबनी उनके कहने का जो उसलूक था, आप लड़ रहे हैं वो या इबनी, ऐसी मोहब्बत उनके लहजे में वहां आकर के इस कदर मिठास हो जाती थी। तो यह मता फुल तो अन्न कश्फल मर आती वाजिब मता कुल तो हाथ समझ नहीं समझा, ये समझने की जरूरत है। और वहां बड़े बड़े विद्वान सब आले हदीस सब आपस में उलझे हुए हैं, अल्बानी साहब का ये मसलक है, अल्बानी साहब का ये मसलक है। ये मसलक नहीं है, मसलक को आपने जिद की जगह बना दी है, या ये के एक चीज उन्होंने कही है तो उसके बाद कहते थे, ये मसला है इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह का। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह पर जितनी भी सेमिनार हो, जितने भी कॉन्फ्रेंस हो, जितने भी नदवात और मुतमरात मुल्तकियात मुनाकिद किए जाएं वो कम है। और सही में जो मौलाना करके मौलाना अशरफ साहब ये जुमला में कहते अल इमाम अल्लज़ी लम युफ़ा हक़्क़हू, जो उसके खिदमात हैं, जो मुजद्दिद है और हर मैदान का इमाम है, हकीकत में उस तरीके से उसका दिरासा नहीं हो सका है और उसको दुनिया ने शायद उस तरीके से नहीं पहचाना जितना बड़ा वो इमाम है, जितनी बड़े खिदमात के, जितने सारे चैलेंजों को उन्होंने। मैं ऐसे मौके से आपको नहीं भूलना चाहिए कि हमने ढाई सदियाँ मतवातिर और बड़ी कुव्वत के साथ, लेकिन उससे पहले भी खिलजियों के ज़माने में तगालिब के ज़माने में, और उससे पहले जो आप पढ़िए जो रखाला यहाँ के गुजरे हैं बड़े बड़े सयाह, उन्होंने जो इत्तेमाआत अहले हदीस के खिदमात से मुतल्लिक सब किए हैं उन सब चीज़ों को। लेकिन आखिर के तीन सदियाँ ऐसी है कि अहले हदीस को पहचानवाने में और सिर्फ हदीस कबूल हो जाए, कुराने करीम से आयतें पेश की जाएं, इसमें अहले हदीस के उलमा बड़ी बड़ी कुर्बानियों से गुजरे हैं जो इस दौर में तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। मोटी मोटी किताबों में सिर्फ ये फख्तियाँ कसी गई कि ये देखो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक और इमाम शाफी और फलां के मुकाबले में ये इस दौर के मुजद्दिद खड़े हुए हैं, ये मजाक उड़ाया गया था किसका, अल्लामा बटालवी का। आप हम किताबों का नाम इस वक्त नहीं लेना चाहते, और उनसे पहले मुबारकपुरी का, उससे पहले अजीमाबादी का, और उससे पहले तहरीक शहीदैन के सारे जियालों का जिसकी वो किसी ज़माने में ये सरजमीन हुआ करती थी। मेरे अजीजों मेरे बुजुर्गों, ये जो कुछ आपको शिकवा है कि दुनिया हमें क्या कहती है, वो हकीकत ये है कि उसमें आपके आबा व अजदाद ने, बर्र सगीर के उलमा ने, उलमाए अहले हदीस ने, और उलमाए तहरीक शहीदैन ने, और उससे पहले तमाम उलमा ने ये कुर्बानियां दी हैं। मैं कभी कभी कहता हूं आप उसको बर्दाश्त कीजिए और सोचिए उसको कि अहले हदीसों ने एक बड़े तूफान के मुकाबले में नहीं, एक बड़ी दुनिया की बड़ी मुसीबत के मुकाबले में हदीस और कुरान का नाम इस कदर लिया कि वो शुरू में तो उनको अछूत बनाया गया था, लेकिन हकीकत ये है कि हदीस और कुरान का नाम लेकर के और परेशानियां झेल करके उन्होंने जिस तरीके से हदीस को तमाम मजालिस में हदीस कुरान कहने पर मजबूर कर दिया तमाम फ़िरक़े इस्लामिया को, वहीं पर एक चीज़ रह गई कि सही हदीस
मार्केट में आई, अब मौजूदात की भरमार हो गई, वो हदीस पेश करने लगे, फिर अहले हदीस कोशिश करने लगे कि भाई ये हदीस ज़ईफ है। अब जो लोग हराम कहते थे और हराम कहते थे कि कुरान का नाम ले, हदीस का नाम ले, ये और मौलाना आता तो वहाँ मौका मिलता मुझे, लेकिन असमा माजिफ के मामले में जो कहा करबानी साहब मुतशद्दिद थे और इब्न हज़्म को क्या कह दिया था, मैं कहता हूँ कि इसी सरजमीन पर हिंदुस्तान में औलिया, औलियाओं के वली जो कहे जाते थे, निज़ामुद्दीन औलिया क्या कहता, असमा यजूज़ लिअहलिही, और काजी ने क्या फैसला दिया था, तुरा है तुरा हदीस चेकार बकौल इमाम बयार, ये हदीस से क्या मतलब है, उनको कटरे में खड़ा करके और उनके खिलाफ फैसला दे दिया था काजी ने, ये निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने, समझा कि नहीं समझा। इस तरह से ज़ईफ हदीसों का ये चलन था यहाँ, उसको एक तहरीक की शक्ल में ज़ईफ और सही का ये लोहा मनवाने के बाद उम्मत ने तस्लीम किया है, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर दुनिया से कई फुलझड़ियाँ छोड़ी जाती हैं, कुछ कहा जाता है, दुनिया कहती रहती है, उसके ये में आए बगैर आज दिल को ठंडक होती है। जिस तरीके से आज 20 सालों से हम सुनते हैं हर स्टेज से कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, अब कोई फिक्र का नाम नहीं लेता है, जितने फिक्रियात हैं उस जगह सिर्फ हदीस और कुरान का नाम लिया जाता है, और जिस अलबानी के नाम से शुजूज मुतशद्दिद और अख्ता के ढेर लगाए जाते थे, अब वो सारी मजलिसों में قال الالباني صححه الالباني, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से बहुत बड़ी मकबूलियत है जो इस इमाम हुमाम और इस वक्त के नौज़ई अलमई और अहवसी को ये चीज़ हासिल हुई थी, हुई है, और सब सारी दुनिया मानती है, उसमें फख्र करने की चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं सारी दुनिया में, अभी बताइए जो हमारे सऊदी अरब में कुछ हनावला की तरफ मंसूब करते थे, ये तो अल्बानी साहब वो नहीं करते। मैंने देखा है जिनको लोग कहते थे कि ये थोड़े से ऐसे हैं, अब मैंने देखा कि वो इस्तिदलाल करते हैं अल्बानी साहब की से, अब तमाम हलकों में इस्तेमाल हो रहा है भाई। तो आप इतने सारे लोग हैं जो इमाम अल्बानी को मान गए हैं और पूरी तौर से भरपूर तरीके से मानते हैं, उनका एहसान मानते हैं, अगर कहीं से कोई बात ऐसी आ गई तो वो हमको हदीस नहीं, ये हमारा जामियतुल इमाम अल्बानी क्या काफ़ी नहीं है कि इमाम अल्बानी है, और इसका फ़र्ज था कि ये इस तरह के प्रोग्राम करें। और हकीकत में मौलाना मतीउर रहमान साहब ने यही चीज़ बताई कि हम इस नाहिये से भी हम बहुत दिन से चाह रहे थे, अज़ीज़म तनवीर ज़की सल्लमहुल्लाह अन्हमल्लाहु अलैहि व हस्बला अलैहि बिस्सब्र व सलवान अल्लाह मग़फ़रत फ़रमाए उनके अज़ीज़ की, उनके हवाले से इन्होंने बताया कि भाई हम लोगों का एक प्लान था, बाज़ाब्ता था कि इमाम अल्बानी पर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जो भी हो लेकिन इस इमाम का जिक्र जितना भी किया जाएगा, इज़ ज़िक्र नअमान लना अन ज़िक्रहु हियल मिस्तु मा कररतहु यतज़व्वहु, ये इमाम अल्बानी की तमाम तरह की खूबियों का बहुत बड़ा जरिया है। मैं ये बात इस मौके से कहूँगा कि जो कुछ इस सैलाब जो नज़र आ रहा है, तूफान जो नज़र आ रहा है, और उसी की इज़ा कुल्त शेरन असबहत दहर मुर्शिदा, ये जो हम कह रहे हैं इस वक्त, ये बर्रे सगीर के आपके उलमा ने, अहले हदीसों ने, और आप इस वक्त नहीं नाम लेते हैं, इतनी बड़ी मजलिस ने नहीं मुबारकपुरी का नाम लिया हो, और मैंने देखा है बड़े इकतदारे उलमा को मदीना यूनिवर्सिटी में और बड़ी बड़ी मजालिस ने सऊदी अरब के काल अल मुबारकपुरी अल कबीर, मिस्र का आलिम कह रहा है, सूडान का आलिम कह रहा है, जब हम लोग तंग कर देते थे या किसी मजलिस में होता था कि आप बताइए राजा क्या है, फकी अतबार से मैं कह रहा हूँ, हदीस से इस्तिदलाल की बुनियाद पर कहता हूँ, तो बड़े स्टाइल से कहते काल अल मुबारकपुरी असगीर चला, यानी साहेब मिरातुल मफादी, वकाल अल मुबारकपुरी अल कबीर कदा, वकाल अल अजीम आबादी कदा, ثم قال اذا اردتم الاستطلاع الواسع في ذلك يسري صدوركم فقولوا قال العظيم بادي كذا وقال الهبالي القنوجي الامام الهمام هذا كذا
तो ये सलासिल ज़हबियाँ हैं, इसे हमको याद रखना चाहिए। और हकीकत यह है कि जो खदमात यहाँ हुई उसके परतों में जो सारी दुनिया में है, इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बाद में आए हैं, और अरबों के यहाँ जो कद्दोकालिश होनी चाहिए थी, इमाम मुअल्लिमी मुअल्लिमी ज़माना अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह का मामला थोड़ा सा निकाल दिया जाए और एक ख़ास अकीदे की इस्लाह की बुनियाद पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के चीज़ों को उस खास जाविये में रखिए, और हकीकत में वही जाविया था ही जो इंकलाब आया और मुजद्दिद वक्त कहलाया हो, और थोड़ा सा वहाँ से बहजतुल बैतार उनका भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, खालिस हदीस की बुनियादों पर नहीं था। और इन बुनियादों पर आप देखिए सही माने में कि मुहद्दिस मस्र और उस वक्त के मुहद्दिस दियार अरबिया अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह, वो उसके भी एक खास असरात है और तहकीकात है, वरना जामे हैसियत से मिन किल्लिल वजूह अगर ये खिदमात है जो सारे आलम में फैले हैं तो रशीद रजा मसीह ने वो बात कही थी और कहा था कि लौला इख्वानुना अहलुल हदीस और अहलुल हिंद, मुराद यही आले हदीस थे, क्योंकि सही माने में कुरान हदीस की खिदमत की थी बिला तावील और बिला तातील और बिना किसी दूसरे तौजीह या बिना किसी मजहब या किसी राय की ताइद के, खालिस जो किताब व सुन्नत से साबित है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, और अलफजल मा शहकत नहीं अलाभियार आदाउद्दीन और कैसे अपने सफ़रों में जो हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं और दुनिया के उलमा गुजरे हैं, अब्दुल अजीज फोली हो या जितने वो हो या हिंदुस्तान के उलमा हो, उन्होंने इस फजल कमाल को माना है, और हर सतह पर आपके उलमाए अहले हदीस जो बर्र सगीर के और हकीकत में यशारो अलैहा बिल बनान आलमी तौर पर उन्होंने सबसे बड़े बुनियादी काम किए का उस वक्त किया था जब उस वक्त दुनिया में कोई नहीं था, किसी तरह से नहीं था, और अगर कुछ था तो यानी यही बेदात थी जो अरबों को लौटाया था, चाहे वो सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी हो या अजीम आबादी हो या रहीम आबादी हो या बहुत पहले हो मालिम ज़माना का नाम तो बहुत आता है अब्दुर्रहमान का, लेकिन उससे ज्यादा कुव्वत के साथ उससे पहले और ऐसी बुनियादों पर 12 दिन के सफर में मैं अहले हदीस जवानों को और उलमा को कहना चाहता हूँ कि दुनिया तो गई चार सितारों से भी आगे, वो उस हालत में उठे थे कि कत्ल किया गया था, इस हालत में कि जमीन नहीं दौड़ती, जमीन के आगे पीछे ये दौड़ता है, ईसाइयों ने उम्मा ने फतवा दिया था बाबा पापाए कौम ने कि तो कत्ल किया गया था, और आज उस माकूस चीज को पलट करके दुनिया ने इस तौबा किया और चार सितारों पर तबंदे डाल रही है, और जिनके आबा व अजदाद थे कोई साहब कह रहे थे कि ये खिदमात हैं उसका दो हिस्सा भी उसका 10% भी नहीं आया है और 25% ये आप इस्तेमाल नहीं कर सके हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा गरी पीरे गरी रोजे पियाहे सियाहे पीर किनारा तमाशा कुन के नूरे दीद अशरो सल्तनत चश्मे दुलेखारा मिस्र के ऐवानों में उसके बरकात और खैरात और उसके इंतजाम और उसके खजाइन लुट रहे हैं, और यहाँ ये बुरा के नाम के कुएं को याद करके अंधा हो चुका है। ये हमारी तारीख थी, ये हम थे, और आज इस वक्त सारे को कामिल करके मक्का मुकर्रमा में अभी एक 1.5 महीना पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फका से मुतालिक, मैंने कहा था कि ये उलमा जो यहाँ पर बड़े बड़े उलमा इकराम के मकालात थे, मैंने कहा था कि अफसोस का मकाम है कि मुतकद्दिम किसी या मुताखिर हमसे यानी मुतकद्दिम लेकिन जमाने के इस्तेलाह के मुताखिर किसी फकीह ने किसी इमाम ने किसी उसूली ने जो तहकीकात या तफरीयात या तफरीजात या इस बातात पेश किए हैं, आज उलमा की एक टीम मुजम्मा उल फिक्ही अल इस्लामी अल हिंदी और चिंदी और आलमी मिल करके भी आज उस दिरासा को मुकम्मल दिरासा के साथ पेश करके हम किसी एक मसले में हतमी फैसला करने में नदवात और मुंतदिया कायम करते हैं और फिर भी इख्तलाफात नोट करते हैं। मौलाना है नहीं पसी पर कोई हद से गुजरना देखे, वो क्या थे असलाफ जिन्होंने इतना तुराक छोड़े इतने जखाए छोड़े, और हम उसको संभालने को हमें सब मिल करके भी उस फिक्र नवाब सिद्दीक हसन खान को सलाम को और ये को हम उसको नहीं सम्मिल करके संभाल पा रहे हैं, वो अकेला उन्होंने इतना बड़ा मैदान मारा था। अगर कोई इस इमाम अल्बानी के
नाम पर इस नजवा से, तो वो लोग जो उलमा का सर्टिफिकेट हासिल किए हुए, मैं तो उलमा में से हूँ नहीं, हकीकत दिल की गहराइयों से जब मैं आज ये मैं फजर बाद जो कुछ कह रहा था तो मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं दूसरों को तकलीफ कर देगा, आज नहीं। ये कहाँ है हिम्मत, कहाँ है ये कि हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने उलमा को नहीं पहचान रहे हैं, उनके फर्मदात, उनके अकाबिल और उनके इस्तेमाल को नहीं पहचान रहे हैं, ये कैसा मसला है मेरे अजीजों इस सिलसिले में। इसलिए ये तो एक बात हुई अंदरूनी, लेकिन बैरूनी बात देखिए, इल्म की सरहद की वसातें इतनी ज़्यादा हैं कि मौलाना ये बंटवारे काम नहीं करते। सिर्फ आप सलफ़ी किताबों को, मैं सलफ़ी जो नाम लिए जाते हैं आलाम हैं, सिर्फ वहाँ बैठ करके इल्मी उसको नहीं छू सकते। फिर 12 तशरीह हैं जो उलमा और मुहद्दिसीन और इमाम बुखारी करते हैं, उसको पढ़िए तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से इस शहद की मक्खी को किन किन डाल और किन किन पात और पत्तों के पंखड़ियों से किस किस तरीके से उसको चूस करके तब शहद पेश करनी होगी, तब शफा सदूर होगा और असल मुसफ़ा कहलाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं इस माने में, न इमाम शाफई की, न हम्बली की, न ही किसी और मजहब की। ये तो आलाम उम्मत है, ये तो अहले सुन्नत हैं। हम तो गैरों से भी, हमने क्या किया, इब्न तैमिया का नाम आया, आप देखिए क्या 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 किया था और कैसे इस्तेफादा किया था। इमाम गज़ाली को दुनिया जो कुछ कहती हो, लेकिन उसके फलसफे को और उसकी तालीमात को, बल्कि अल्बानी का, इमाम अल्बानी का जिक्र आए तो अल-मुग़नी अन-हम्लिल असफ़र जो है किस तरीके से उसके लिए उफ़ुक़ खोल दिए हैं, ऐसे इंसान को जो कलीसाजी करने बैठा था, जमाने का मारा हुआ था और घर का धुतकारा हुआ था और एक खास खोल में बंद कर देने के लिए बाप की और माशरे की और खानदान की सारी कोशिशें थी, लेकिन इस तरीके से लोग हमलुल असफार से दूसरों का नहीं एक चीज इस्तेमाल कर दिया उसको लोगों की दुनिया में। अल्लाह जल्ले शानहु ने ये हिम्मत हमारे जवानों के अंदर, हमारे मदरसों के अंदर, हमारी दिमाग के अंदर होना चाहिए। और हमारे उलमा के यहाँ कोई तफरीक नहीं थी, मिराद पढ़िए, हमको चंद असबाब पढ़ करके, उसके चंद अबवाब पढ़ करके ताज्जुब होता है कि कितना तमक्कुल था उनको। और कुल ज़ालिक लम यकुन, मैं तो गरीब गरीब न उठाओ गरीब की तरफ आ रहा हूँ मैं जल्दी से, मैं ये कह रहा था कि ये लोग फिक्र के कैसे माहिर थे। इमाम तैमिया का तो नाम लेते हैं, आज एक एक लफ्ज़ भी वो, अभी मैंने उमूम खसूस मिनबर से जल्दी जल्दी कुछ मंतकी इस्तेलाहात और फलसफा के इस्तेलाहात इस्तेमाल किए अभी कॉन्फ्रेंस में हज वाले में, तो एक बड़े के बारे उलमा से कहा कि अहसन था मुख्तसर था, कहा कि तुमने मारूफ माशाल्लाह फिल मनते यानी फिल इशारात भी अंत कुल्ला शे। तो ये इमाम इब्न तैमिया जो फलसफे को, फलसफे पर चढ़ करके क्या किया था वो भी कुछ हमारे नज़दीक है। हमने तो देश निकाला किया है, मनाहिज में ऐसी तब्दील, मनाहिज दरासिया में ऐसी तब्दीली कर रहे हैं जैसे ये तलब मनुल फिर्री तुम इन खौफित कला फीहा कमा था यह तलब हरमा फिर बाओ। हम रोज रंग बदलते हैं और रोज निसाब बदलते हैं, निसाबों के बदलने से आपके तालीम की कुवत और नया बुलंद नहीं हो सकते हैं। हकीकत यह है कि उसमें डूब करके और पाजा सुराग जिंदगी का के रात को जानना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, इसलिए अहले हदीसों के यहाँ इस तरह की इल्मी दुनिया में कभी सरहदें नहीं रही। सबसे फ़ायदा किया मोहम्मद ने पढ़ाया शाफई को, ये समझ रखो, और शाफई को किसने मालिक, इमाम मालिक ने पढ़ाया था। और वो रवायतें अगर सही तरीके से देखी जाए तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मालिक से इस्तेफादे किए थे हदीस में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अहले हदीस इससे कभी भी वो नहीं रहे। इसीलिए इमाम अल्बानी के यहाँ जिन लोगों ने चार चार जिले में रदूद लिखने की कोशिश की, इमाम अल्बानी के आला अखलाक को देखिए और दूसरी तरफ इस बुढ़ापे के ज़माने में ऐसा बड़ा दुनिया का मुहाफे 150-200 साल अपने सैयारे पर लेकर ले जाता है और उसको अब्दुल हमीद अल असरी और सलीम अल हिलाली भी सवाल करते हैं कि हो ना हो ये चीज़ हो और अब्दुल इल्मी पढ़िए तो पता चलेगा। तो उस वक्त अखलाक को देखिए और इल्मी बुलंदियों को किस तरह से छूता है। ये थे उलाएका आबाई फजेली बिमिस्लिहिम इज़ा जमअ्ता या जलीलुल मजामिउ। कहने की बहुत सी चीज़ें हैं, पढ़ने की बहुत सी चीज़ें हैं। ये सीमांत सेमिनार इसीलिए है कि किसी दिल के फफोले फोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि हम कौन हैं, अपने आप को पहचाने,
किस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं और इल्म के खातिर कौन कौन से रास्ते अपनाए हैं और कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। आप आजकल नौकरी पा करके बड़े खुश होते हैं, मौलाना साहब ताजी बन करके बड़े खुश होते हैं। वहाँ पर वो खुश इसलिए है कि ऐसा महीना उसके वालिद ने अता फरमाया कि उसने महारत भी हासिल की, अफतर बचा लेंगे। मेरे ख्याल से किसी ने जिक्र नहीं किया है और ये मदरसे वाले याद रखे हैं। मौलाना अबू हसन मौलाना मोहम्मद रईस नदवी सुनाते थे, ऐसे ही मोहम्मद रईस नदवी मुअल्लिम आलम नहीं बने थे। बहुत रंज होता है सुन करके ये तो कौन सी रीत है और कौन सी रिवायत है जिसको हमने लिया है। ये अलबानी साहब को एक घड़ी बनाने वाले लड़के को उसके इल्मी खिदमात को देख करके वो गैर थे, सलफी नहीं थे। आज अपने ही इदारे में चंद तरह की बातें होती हैं, अपनी और जमात जमीयत और जमात में दिल सकता है किससे अपना दर्द कहें, कहाँ कहाँ लेकर के जाएं। इस अलबानी के लिए कमरा मुतय्यन हो गया था, फिर भी उसकी प्यास बुझने वाली नहीं थी। दूसरों ने समझ लिया था, इसलिए चाबू हवाले कर दिया, समझा कि नहीं समझा। और दिन के अंदर कटौती करके जो वो इल्म हासिल करते थे वो उस पर इक्तफा नहीं किया। अलबानी साहब का बयान है, किसी ने कह दिया शेख ईसा थे उनके छत पर लोग भर जाते थे, मदीना के उलमा मुहद्दिसीन भर जाते थे अलबानी। सबसे पहले मैंने वहीं पर देखा था उनको और मुझे बड़ा दर्रा था कि अलबानी साहब पर आज मैं भी मौका मिलेगा। लेकिन वहाँ तो शेख रबी और पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े मुहद्दिसीन मदीना के उलमा जानवी तह किए हुए इस तरीके से बाद बैठे हुए थे कि मुझे सख्त ताज्जुब हुआ। मैंने कहा इनको बाड़ी नहीं मिल रही है, हमको क्या मिलेगी। समझा कि नहीं समझा। ये क्या था, कैसी चीजें थी, इस सब चीजों को हमारे मदरसों में हमारा काम था। ये रईसुल अहरार नदवी ऐसे नहीं हुए थे मुअल्लिम ज़माना, उनको नदवा ने पूरा कमरा अता किया था और जान गए थे अहले हदीस है, तब भी उनके जब अहले हदीस हो गए और उसमें लंबी कहानी है। उस वक्त भी उनके साथ जो रियायतें थी वो नहीं दूर की गई थी। ऐसे निकलते हैं लोग, समझा कि नहीं समझा। ये जो देखे दुनिया में बड़े फख्र से आप लोग मदीना यूनिवर्सिटी में कहते होंगे ऐसी किताब लम यो सीरत इमाम बुखारी मैंने शेख उमर फुल्लाता रहमतुल्लाह अलैह से ये कहते हुए सुना था कि ऐसी किताब दावे के साथ कह सकता हूँ कि तालीफ नहीं की जा सकी है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों जानते हैं वो इसी तरीके से मामले फराहम किए जाते थे, ऐसे ही उनको मौका दिया जाता था। तो इल्म के हकीकतों को अहले हदीस सबसे ज़्यादा जानते थे, इसलिए उनके मजालिस से बहुत से लोग आए और बहुतों से एक हाँ मनहज के नाम पर जो हमने फितना किया कि अहले हदीस वही को छाँट रहे हैं, उन्हीं को निकाल रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं। क्या आपने समझा है कि नहीं समझा है। और वहाँ देखिए कैसे थे, खालिदुल हज़ा के वाक़ात तो आपने याद हैं इमाम बुखारी के और किसके किसके। ये हकीकत ये है कि सलफियत की इन हकीकतों को हमने बहुत हद तक भुला देने की कोशिश की है और किसी खास शराब के सहरा में हम सरापा पानी की तलाश में चले जा रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानों से हमें अपने मन में डूब करके अपनी ज़िंदगी के सुराग को हासिल करने की ज़रूरत है। मैं यकीन जानिए कि मैं बहुत खुश हो रहा था कि मामला बहुत आसान रहेगा, लेकिन वो तो फंस गया करके, शायद उसमें होता तो ज़्यादा वक्त मिलता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़रूर जिक्र करूँगा इसका, नाम नहीं जिक्र किया बुजुर्गों का, हमारे अजीज महदी हसन यकीन जानिए तलाव कर रहे थे तो मुझे इमाम अलबानी और उनकी सात हिजरतें, सात मरतबा हिजरत किया है मौलाना, और कठिन हालात में किया है, किस तरीके से किया है। इमाम ने तैमिया को देख हुआ कि तातारियों के हमले से हर्रान से कैसे वो गए थे, यहाँ अलबानी से सख्त तरीन हालात में सफ़र किए हैं। और क्या पढ़ा था, खैरुलिसाबरीन हैं, कहा कि खैर अलबानी की ज़िंदगी में कैसे आई है और फिर सारी दुनिया को उसके खैरात व बरकात कैसे आए हैं, ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। और उसकी सारी आयतें मुझे लगा है कि साजदा ने जैसे और सब चीज़ों पर मेहनत की है, एक एक चीज़ पर भी इन्होंने मेहनत करके ये सब कुछ सामने रखा है। इस तरह ने बहुत सी चीज़ें लिखी थी लेकिन उसका कोई मौका इस वक्त नहीं है। मैं
इससे ख़ास तौर पर इस आयत के इंतखाब पर फिर इसी तरीके से हम जो पेश की गई मौलाना मुफ्ती रहमान शीस ने गोया के इदारे से लेकर के और इस कॉन्फ्रेंस तक की जो कड़ियाँ इस इमाम हमाम के साथ जुड़ सकती थी और जो फ़रायद वाजवात हो सकते थे और किस पस मंजर और पेश मंजर में ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई है। कलिमात तरहीबिया नहीं थे, वो गोया के बरात इस्तिहलाल के तौर पर तमाम तर और हकीकत में इस कॉन्फ्रेंस का एक निचोड़ था हर हैसियत से। डॉक्टर हसीबुर्रहमान मदनी थे, उन्होंने एक चीज़ तो मैं था कि जब इमाम अल्बानी को आलिम भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने हर जगह लिखते हैं हम लोग कि इमाम अल्बानी मुहद्दिस अल्बानी मुहद्दिस देखा असल उनवान में नहीं है, कहीं बाद में है बहैसियत मुहद्दिस बहैसियत लिखिए इमाम अल्बानी लिखिए इमाम, सब भूल गए। एक बहाउद्दीन साहब वहाँ बैठे हैं वो कहते हैं कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद हुसैन पठानवी, हकीकत में हम उनसे अख्तलाफ करते थे कई मरतब बहसें की उनके यहाँ मैंने, लेकिन मानना पड़ा कि हकीकत में शेखुल इस्लाम था। और जिस तरीके से मौलाना कह रहे थे कि इब्न तैमिया के शारह थे और इब्न कय्यिम और इब्न उसैमीन सना थे, तो हकीकत में सनाउल्लाह अमरसरी अगर कोई चीज़ थे शेखुल इस्लाम तो हकीकत में शेखुल इस्लाम उनका उस्ताद था और हकीकत में उनके उलूम और ख़ास तौर पर फिरत थे अलल क़ादियानिया व फिल हरकतिल इस्लाह सुन्निया में, वो हकीकत में शेखुल इस्लाम वही थे। मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, मैं तो इसे लिखे इमाम इनको लिखे मुहद्दिस इनको हर जगह और इसमें किसी तरह की भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारे भाई सोद आलम नदवी साहब थे, हदीस की तस्सीह और तदीफ में अल्लामा अल्बानी का मनहज था, मैं इनसे बात करूँगा इंशाअल्लाह बाद में। अल्बानी साहब की एक किताब दिल्ली में एक मुफ्ती है आम ने शाये की थी और बहुत फाजिल इंसान थे हकीकत में और हर तरह से पढ़े हुए थे, बल्कि मुझे तो कढ़े हुए भी लगते थे। एक दिन हमको देवबंद के किसी काम किताब के इजरा में और कॉन्फ्रेंस में लेकर के जा रहे थे, लेट हो गए, रास्ते में बड़े अदब से उन्होंने मुझे आगे बैठा। ये मैं कह रहा हूँ नया नाजिम बन के आया था और उस वक्त कुछ चीज़ें मुझे आती थी, जामिया सल्फिया में 11 साल पढ़ाने के बाद कुछ न कुछ हमारे पास भी कुछ चीज़ें रह गई थी, और वरना इस वक्त तो फाके दुश लाती वाला मसला है। तो उस वक्त उन्होंने बड़े अदब से पेश किया, हज़रत मेरे उम्र में से दोगुना थे, इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह करीब रहमत करे, बड़े देवबंदी आलिम थे बड़े मुफ्ती थे, कहा कि हज़रत इस पर एक नज़र डाल दी, इतनी मोटी किताब इमाम अल्बानी के रद में लिखी थी। मैंने किताब देखी और आगे बैठा था देवबंद, चार उस वक्त 5 घंटे लगते थे, मैंने कहा कि चलो इसको देखता हूँ। लेकिन मैंने उनको कहा, नज़र जैसे खोली मुझे एक पड़ी कि इमाम अल्बानी ज़ईफ़ किसी चीज़ रावी को देखा ज़ईफ़ कह देते थे, बड़ी सरसरी बात निकली। मैंने कहा मेरी कानों ने सुना है बाद मजालिस में सब आता आशर, मैंने कहा कि 17 एतबारात एक हदीस की एक रावी की और एक हदीस की तस्हीह में उन्होंने एक जगह इस्तेमाल किया था, समझे कि नहीं समझे, रवायत रजले फी बलदून बलदिन रवायत रजले फी शेख दून शेख रवायत रजले कबल अख्तलाफ बादल अख्तलाफ व तदरीस हो तदरीस, यानी मौलाना जब चीज़ें रखी तो मैंने कहा कि आप एक दिल से मोहब्बत करते हैं हमसे, इसलिए आपकी कोई ऐसी बदनामी इस किताब के छपने से है तो मुझे बेहद तकलीफ होगी, आपकी मोहब्बत की वजह से अल्बानी साहब पर जो तीर बरसते रहते हैं और ऐसे ऐसे कितने हैं जो इस दिन हमारे सर पे ना आरा चला किए, तो उनका कोई मसला नहीं है, असल मसला ये है कि ऐसा ना ये हो जाए। और तो कहने का मतलब ये है कि इमाम अल्बानी, मैं चाह रहा था कि इसी तरह की मेहनत करके, आप तो जवान हैं आपके पास वक्त है किताबें हैं और मनाहिजे मुहद्दिसीन पर नज़र है, तो उन हकीकतों को जहाँ से लोग एतराज़ करते हैं और अल्बानी की बुलंदियों चोटियों तक न पहुँचने की वजह से वो चंद चीज़ों को लेकर के हैरान और परेशान हैं कि अल्बानी ने कैसे कह दिया, तो आपका काम था कि उन हकीकतों को इल्मी अंदाज में ठोस तरीके से बयान कर दे ताकि हकीकत में कोई एनाद नहीं है तो गलतफहमियाँ हैं तो दूर हो जाए। और हकीकत में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बहुतों ने ये लोहा माना है इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह का, उससे मुतल्लिक मुझे बहुत सी चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, लेकिन उन सबको ख़त्म करके तसीह और तदीफ से मुतल्लिक मैं सहसिता पर देखिए हम लोग बात करने की जरूरत नहीं,
हम लोगों का यही मसला है कि थोड़ा सा ऐसे कर सीधे होकर अरे बुजुर्गों ने सही सही पर अमल किया होगा तो क्या हुआ, मुबारकपुरी नगर कहीं तो शेखुल कुल्फी में कुल पल्ला में बंगाल में आकर के बिहार में आकर के फजल वो रफुल आईदी फिर दुआ बाद सलाह तिल मकतूबा क्या हो गया है। अरे अलहिता फिर जिक्र से है सिद्धा नवाब सिद्दीक हसन खां से बड़ा कोई आलिम नहीं पैदा है और सारे उलूम के दरियाओं की तहों को उसने डूब करके मोती और दोहरा निकाल लिए थे। तो ये सब कोई ऐसा ला मुशाखत फिल इस्लाह अभी लोग पढ़ाते हैं अब समझा भी नहीं समझा वो तकरीबन है या एक इस्तेलाह चल पड़ी है बड़ा सारी दुनिया जानती है। और जो लोग एतराज करते हैं इमाम अलबानी पर इस तरह के लोगों पर क्या वो इमाम बुखारी की रिवायतों पर जरा नहीं करते, आप अपने कोई भी तरावी का मसला उठा लीजिए जितने भी इख्तलाफी मुनाजराती किताबें हैं उसमें देखिए कि वो चूकते नहीं है। कम से कम वो ये कह देंगे कि क्या कह देंगे इमाम बुखारी ने यहाँ पर मुनक़ता रिवायत समझे कि नहीं समझे। और मैंने बाद मुनाजरों में ये किया जब हर तरह से हार गए तो कहा कि मौलाना ये उन हदीसों में से है जिस पर दारकुतनी ने एतराज़ किया। मैंने चलो उतनी हदीसें निकाल देते हैं बुखारी से बकरिया समय दलील पेश करो समझे कि तो वो मंतकी आदमी कहा कि वला कि हादा टाइम से पहले मशा उनकी खुल ले यानी पूरे पर फैला हुआ है जब तक टाइम नहीं होती तो किसी को भी कर सकते समझे कि नहीं समझा। और मुनाजरे की बात तो इस वक्त दोहराई नहीं जाएगी। तो ये सब तमाशे होते हैं। खुद मैंने देखा है कि जो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि अलबानी ने ये क्या कर दिया और अपने लोग भी कहीं ना कहीं मुतासिर हुए हैं वो खुद सिर्फ सिर्फ फातिहा के मसले को ले लीजिए तो इतनी बहसें की हैं बाद रवायतों में तज़ईफ और ये पर कहाँ है भाई जो काम करते हो उसी का ये करते ले तकुलून माला तफालून कर रहे हो और दूसरे पर इनकार कर रहे हो। ये इल्मी दुनिया की बहुत बड़ी सतहियत है या बहुत बड़ा इनाद है जो नहीं होना चाहिए था। इमाम अलबानी का कारनामा बहुतों ने किया है और ज़ईफ़ और सही कुतुब अरबा में तो ये बिल्कुल मुसलमात में से है और उसको जानना चाहिए तालीखात से मुतल्लिक हों। और अलबानी साहब का मसला मैं बात ख़त्म करते हुए ये अर्ज़ कर दूँ के इल्मी दुनिया मुस्तलाहात के बारे में भी अलबानी साहब पर बहुत कुछ कहा गया तो अजबल हो जाओ आपने देखा होगा सकतु अनुभव में क्या क्या नहीं कहा। और इसी तरीके से बड़े मुहदीस ने जो अब्दुलरहमान मुबारकपुरी साहेब तोहफतुल आवाज़ी को कहा कि जोरदार जवाब है ये और वाकई उसने हर तरीके से घेरने की कोशिश की है लेकिन क्या क्या सकतु अनुभव को नहीं समझे जैसे मुस्तलाहात में हमारे कोई फादर कह रहे थे मैंने नोट किया होगा कहा कि सकतु अनुभव को कहा कि इतने बड़े मुहदीस से कि उनके सामने आते ही क्या है पानी पीते हो जाते जबान नहीं खुलती थी तो खामोशी में आखिर समझ ये तौजी कर रहे सकतु अनुभव की अब क्या करेंगे उसको क्या कहें। वो इमाम इराकी के जमाने तक बहुत से मुहदसिन वो हुआ आला यदे यदे यदि अदरुल पढ़ते थे और बताइए इतनी बड़ी सही रवायत तो ये भी एक बहुत बड़ा आफत हो मिन الفهم السقيم और كل من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب का बिल्कुल ये शख्साने हैं और इसके मिसालें भी मिलेंगे रह गया इनाम तो उसका कोई माई बाप नहीं है। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ लेकिन सिर्फ अब नाम तो हमको लेने देंगे मौलाना मसूद आलम नदवी साहब थे और इसी तरीके से जी दुकूर अतीक अल मदरी बस आसमा अल्लाह मौलाना तो मदरिस मजहब में रहे हैं तो बड़े हल्का इशारा करके लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात कह गए हैं और इसको भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है जिसकी वजह से बहुत सी गलतफहमियाँ हैं। और इसी तरीके से मौलाना मुजम्मिल साहब अला कुल्ले एज़ा समहतुम तुमोनी और तस्तमीहून ली उज़री उज़रन फ़ाकूल अन्ननी الآن نظرا إلى ذيك الوقت وإلى أن الطعام وهو المقام المطلوب للجميع جاهز وحاضر छोड़ता हूँ बकिया लोगों के नाम को और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आज बहुत सी चीज़ें गफूर शौक़ में भी और बहुत सी चीज़ें जो ज़माने को इस वक्त मतलूब भी हैं ख़ासतौर हमारी सफ़ों में भी और दूसरे लोगों को भी गलतफहमियाँ हैं हम
इस वक्त जबकि उम्मत बड़ी दोराहे पर खड़ी है और किसी के किसी वरगलाने में या किसी की किसी बात को लेकर के किसी ख़ास जज्बात में आने के इल्मी अंदाज में अपने बात को कह करके गुजरने की ज़रूरत है कि एक आखिल ऐसे ही दुआएँ करता है। अल्लाह जल्ला शानो पूरी उम्मत को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पर तमाम उलमा को बिला तफरीक और ख़ास तौर पर किताब व सुन्नत के अलमबरदारों को सही माने में मनाहिज मुहद्दिसीन और सलफ़े साले के उसूलों और उनके नक्शे कदम को अपना करके और उस ज़ुमरे में के मिनल मोमिनीन रिजाल सदक़ु माहदुल्लाह फमिन मन क़दा नहबहु वमिन मन यंतज़िर में हमको जगह तफराए वमा बदलु तब्दीला और हालात और तगैरात और मसाले और इन सब से किसी भी तरह से मुतासर न होने की तौफीक अदानी फरमाए। मैं इस इदारे को तमाम मुतअल्लिफीन को अपने तमाम मकाला निगारान हजरात को और जिस हैसियत से भी आप यहाँ आए हैं सबको मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह जल्ला शानहू हम सबको अपनी नेमतों से और ख़ास तौर पर उलूम किताब सुन्नत और उस पर अमल की तौफीक से सरफराज फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन الحمد لله رب العالمين